हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी गार्डनिंग। फ्रेंड्स, हम आज आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताएंगे जो बहुत ही हार्डी प्लांट है। उस प्लांट का नाम है पेडिलेंथस। फ्रेंड्स, आप ये सामने देख रहे होंगे, मेरे पास ये दो वेराइटीज़ हैं। एक तो ये वाली वेराइटी जिसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, वाइट एचिंग है इन ग्रीन लीव। और दूसरी वैरायटी ये है जो कि मैंने प्रोपेगेट करी हुई है सिंपल एक स्टिक से। तो दूसरी वैरायटी ये है जिसमें टोटल ग्रीन लीव्स हैं। फ्रेंड्स, अगर इस प्लांट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है। ये समर सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला प्लांट है। इस प्लांट की खासियत ये है कि अगर आप इसको फुल सनलाइट या इवन पार्शियल सनलाइट में भी रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बट ये ओवर वाटरिंग से फ्रेंड्स मर जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये प्लांट जो है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, तो वाटर रिक्वायरमेंट्स फ्रेंड्स इसकी ज़्यादा नहीं है, ओवर वाटरिंग से ये मर जाएगा। तो आप अप्रोप्रिएटली इसमें पानी दें, टॉप सॉइल चेक करके पानी दें। दूसरा, अगर हम इसकी सॉइल कंपोजिशन की बात करें तो फ्रेंड्स, ये क्योंकि सिर्फ लीव्स ही ग्रो करता है, कोई ऐसा जिसके अंदर फ्लावर्स नहीं आते, तो इसके अंदर आप कंपोजिशन 50% गार्डन सॉइल, 25% गोबर खाद और 25% बजरी या रेत डाल के आप इसकी सॉइल कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं। ये एक बेस्ट मीडियम है, बट ये ऐसा हार्डी प्लांट है कि अगर आप इसको सिर्फ मिट्टी में भी ग्रो कर देते हैं, विच इज़ अ फर्टाइल सॉर्ट ऑफ अ सॉइल, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी सॉइल कंपोजिशन। सनलाइट के बारे में मैंने बता दिया कि आप इसको इनफेक्ट अगर पार्शियल सनलाइट में भी रखते हैं तो ये ग्रो करता है बहुत अच्छे से, बट आप इसको ज़्यादा इंडोर रखेंगे तो ये इतना फ्लरिश नहीं करेगा। थोड़ी सी इसको धूप लो आपको देनी पड़ेगी। थर्ड फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो फर्टिलाइज़र इसको आप फरवरी या अक्टूबर मंथ में एक बार कर सकते हैं, जिसमें आप गोबर की खाद इसकी 1 or 2 inch सॉइल ऊपर की हटा करके गोबर की खाद डालें, उसके बाद उसी सॉइल को उसी के ऊपर डाल करके उसको दोबारा से रिपोर्ट कर लें। फ्रेंड्स, आज हम इस प्लांट की प्रोपेगेशन के बारे में भी साथ में बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तीन अगर आप देखें, ये मैंने सिंपल एक जो फ्रूट के जूसेस होते हैं वो मैंने यूज़ करे हुए हैं कटिंग्स को ग्रो करने के लिए। ये जो जूसेस के जो पैकेट्स होते हैं, ये अंदर से इनके अंदर प्लास्टिक की लेयर होती है, तो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ रिसाइकलिंग द थिंग्स। आप प्रोपेगेशन के लिए ऐसे ही जूसेस के पैकेट्स या कुछ आपके पास कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स जो आपके आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं टू ग्रो दी कटिंग्स। तो फ्रेंड्स, थोड़ी बारिश आने के कारण हम अंदर आ गए हैं, क्योंकि मानसून सीज़न चल रहा है। तो आई वॉज जस्ट मेकिंग द वीडियो आउटसाइड, तो अब थोड़ा हम शेड एरिया में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा था, आप इसको जो कंटेनर्स हैं जो कि आपके जूसेस के होते हैं या प्लास्टिक्स के कोई भी आपके छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे एनवायरनमेंट में हेल्प भी होती है, और आप इनको जब कटिंग्स ग्रो हो जाएं तो इनको काट के थ्रो कर सकते हैं, बिकॉज़ इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। आप 6-7 महीने इसमें रखें आप अपनी कटिंग्स, और उसके बाद ये ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैंने जो प्रोपेगेट किया है उसका क्या रिज़ल्ट रहा। तो फ्रेंड्स, आज हम यही करते हैं, एक इसको हम काट देते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं,
ये बहुत अच्छी सी रूटिंग हुई है इसके अंदर, बहुत अच्छी रूट्स ग्रो करी हैं। जस्ट मैंने सिंपली ये जो एक कटिंग थी ये मैं लेके आया था और उससे ये इसकी रूट्स जो हैं बहुत अच्छे से निकल गई हैं। तो आप इसको अब हम पॉट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये तीनों कटिंग्स जो हैं वो निकाल ली हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो इसके तीनों के अंदर थोड़ी थोड़ी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये मेरी जो रिज़ल्ट है राउंड अबाउट 3-4 मंथ्स का रिज़ल्ट है। तो फ्रेंड्स अब हम इन्हीं कटिंग्स को एक पॉट के अंदर लगाते हैं। मेरे पास ये एक अर्दन पॉट है, इस अर्दन पॉट में हम इसको लगाते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए हम एक ठीकरी थोड़ी सी ले लेंगे, तो इसके नीचे जो होल है उस होल को हम इसे ढक लेंगे। फ्रेंड्स आप ये चीज़ हमेशा नोटिस रखें कि ठीकरी जो है जो आपका जो ऐसे कर्व वाली साइड होती है वो नीचे रखनी है और ये जो फ्लैट वाली साइड है उसको ऊपर रखनी है। तो हम इसको इसके अंदर रख लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर सॉइल कंपोजिशन जो हम ले रहे हैं वो मेरे पास ये ऑलरेडी एक मिक्स्ड सॉइल है जो मैंने तैयार करी हुई है, जिसमें मैंने घर में ही कंपोस्ट तैयार किया था विद लीव्स एंड ऑल दोज वेस्ट अलोंग विद सॉइल और थोड़ी बहुत इसके अंदर हो सकता है बजरी भी हो। तो सॉइल कंपोजिशन अगर बात करें तो इसके अंदर एट प्रेजेंट सॉइल है और कंपोस्ट है जो मैंने घर पर ही बनाई थी और दूसरी थोड़ी बहुत ही अगर होगी तो रेत भी हो सकती है। तो सॉइल कंपोजिशन ये हम ले लेते हैं और इसको इससे भर लेते हैं। फ्रेंड्स हाफ पॉट भरने के बाद हम इन लीव्स को इन प्लांट की कटिंग्स को ऐसे स्ट्रेट करके इसके अंदर खड़ी कर देते हैं। और बाकी बची सॉइल से उसको ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये मिट्टी सारी भर ली है इसके अंदर, अब हम इसे पानी देंगे। तो फ्रेंड्स क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसको रिपॉट कर रहे हैं और हमारी जो सॉइल है वो सूखी हुई है, तो हम इसको तब तक पानी देंगे जब तक इसके ड्रेन होल नीचे से पानी निकल ना जाए, तब तक हम इसको वाटरिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम जब भी आप प्लांट रिपॉट कर रहे हैं या कटिंग्स लगा रहे हैं तो उसको ड्राई सॉइल में लगाएं और फर्स्ट टाइम उसे अच्छे से पानी दें और फिर बाद के जो पानी है वो सिर्फ तभी दें जब टॉप सॉइल सूख जाए। तो फ्रेंड्स अभी हमने ये इसको अच्छे से भर दिया है और आप नोटिस करेंगे नीचे इसके अंदर से पानी आना शुरू हो गया है। तो हम अब वाटरिंग अपनी रोक देंगे और इसको हम इसको थोड़ी देर के लिए ब्राइट लाइट बट नॉट वेरी शेडी एरिया ब्राइट लाइट में रखेंगे बट इनडायरेक्ट लाइट में। तो फ्रेंड्स इफ यू लाइक सच वीडियोस डू लाइक टू माय चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।